YouTube पर हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस ना करें, और हमारे Facebook पेज BPA News को भी जरूर फॉलो करें व लाइक और शेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं BPA News। देश का सच दिखाते हैं हम। पूरे देश में ड्रैगन के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। इसी क्रम में हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व पदाधिकारियों ने चीनी सामानों की होली बड़े चौराहे पर जलाई व चीनी सामानों का पूर्ण बहिष्कार करने की लोगों से अपील की। विमल द्विवेदी ने बताया, एक कर्नल सहित कई जवानों के वीरगति को प्राप्त होने की खबर ने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है व हमें चीन के खिलाफ अपनी रणनीति बदलने को विवश कर दिया है। ऐसे धोखेबाज देश पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं जो बातचीत का नाटक कर धोखे से कायराना हमला करता है। लेकिन भारतीय सेना के जानबाज सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी संख्या लगभग 35 बता रही जो चीनी सैनिक इस भिड़ंत में मारे गए हैं। इस समय पूरा देश सेना और भारत सरकार के साथ खड़ा है। मेरा सरकार को सुझाव है कि सभी सरकारी टेंडरों से चीनी कंपनियों को तत्काल बाहर किया जाए व तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित किया जाए और दुनिया के देशों को इस मुहिम में लामबंद किया जाए। अमेरिका पहले ही ये कर चुका है। साथ ही उन्होंने कहा, वो विपक्ष से भी अपील करते हैं कि सभी मतभेद भुलाकर सरकार के साथ खड़े हो ताकि चीन को जवाब दिया जा सके। इस दौरान मंच के जिलाध्यक्ष अजय त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष विकास सिंह सेंगर, नगर महामंत्री धर्मेंद्र शुक्ला, युवा प्रभारी मनीष अवस्थी, नगर उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला, ललित द्विवेदी, शिवम आजाद, शुभम कनौजिया, शिव सेवक त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। चीन के द्वारा एक कायराना हमला भारतीय सेना पर किया गया है, जिसमें कि एक सेना के अधिकारी सहित कई जवान हताहत होने की खबरें आ रही हैं और लगातार भारतीय सेना में और चीन की सेना में झड़प चल रही है। कई सैनिक इधर से हताहत हैं और कई उधर से, और इस लेकर हिंदू जागरण मंच लगातार चाइना का विरोध करता आ रहा है और चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करता आ रहा है। चाइना इस क्रम में जो है हिंदू जागरण मंच भी इस विरोध में, जिस तरह से चाइना ने किया है उसके विरोध में आज चाइनीज वस्तुओं को की होली जलाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। उधर से अभी कोई अधिकारी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि उधर के भी कोई लोग जो है खत्म हुए या हताहत हुए हैं। उधर की जैसा कि लोगों ने माना है कि 43 लोगों की वो हुई है, तो उसकी पुष्टि की जा चुकी है। और जिस तरह से आ रहा है कि पूरी तरह से चीन जिस तरह से अपने वहाँ वाहन खड़े किए हैं, वाहनों पर लग रहा है कि पूर्ण हथियारों के साथ वहाँ लैस हथियार बॉर्डर पे खड़े किए हैं, तो लगता है कि वो युद्ध की स्थिति में है और भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत कभी पीछे हटने वाला नहीं है। जिस तरह से मैं मोदी जी की सराहना करना चाहता हूँ कि पहली बार भारतीय सेना को स्वतंत्रता दी गई है कि वो समय पे जैसी स्थिति देखे वैसा निर्णय ले सकती है। जैसे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होते तो क्या? आप सबको ज्ञात होगा कि लगभग 20 सैनिकों के हताहत वहाँ पर हमारे लोगों की जानकारी थी। वैसे सेम डे 43 सैनिकों चीन के मारे जा चुके हैं और जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 150 सैनिक चीन के मारे जा चुके हैं। ये बड़ी भारतीय सेना की वो है और भारतीय सेना को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि भारतीय सेना हर तरीके से
अच्छा मैं, पूरा देश भारतीय सेना के साथ है, हम सब साथ हैं। भारत ने जो है ठेका दिया है चाइना कंपनी को 11,000 करोड़ रुपए का। हम लोग ये मांग करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख जी द्वारा भी ये मांग की गई है कि चीनी कंपनियों को टेंडर से हटाया जाए और इनका बहिष्कार किया जाए और तिब्बत को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। ये मांग जागरण मंच के द्वारा और समस्त देशवासियों के द्वारा मांग की जा रही है।